अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती है कि सर हमारी वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो हमें चाहिए, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है, चीज़ें बड़ी महंगी भी महंगी हो रही हैं, लोगों का वो लिविंग स्टैंडर्ड वो रहा नहीं जो आज से 5-6 साल पहले था। तो भाई अब क्या करें, अब लोग परेशान हैं, लेकिन मेरा वही बात है कि महंगाई एक इवेंट है, इस पर रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं आज आपको ऐसा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बताता हूँ जिस जो अगर आपने इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से किया तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बदल जाएगी। और उस बिज़नेस का नाम है पावर ईगल्स का एक ग्रुप है, वर्क फ्रॉम होम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप घर बैठ के बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं बाय वे ऑफ यूजिंग योर ओन मोबाइल और बाय वे ऑफ यूजिंग योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी तो हर किसी के पास है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं सबके पास अवेलेबल है, सिर्फ उनको अफेक्टिवली यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है हमारे मेंटर्स बताएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि सर हमारा ख्वाब है कि एक हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाए, ड्रीम्स हैं हमारे। क्या ये ड्रीम्स नौकरी से पूरे हो सकते हैं? द आंसर इज नो। एक दफ़ा महीने में इनकम क्रेडिट होने से क्या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? सर नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोगों का एक ये पहली बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस 9 to 5 की एम्प्लॉयमेंट से थक चुके हैं कि क्या वो बेकार की ज़िंदगी है। तो दोस्तों मैं उन्हीं के लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। इसको फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, जब पार्ट टाइम स्टार्ट करें तो पार्ट टाइम ही रखिएगा उसको। अगर पार्ट टाइम करने का जब उसके ऊपर अबूर आ जाए, कमांड हासिल कर लें, इस 9 to 5 की जॉब को लात मार दीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी इनकम इतनी नहीं हो पा रही है, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पावर ईगल्स के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा मनी कैसे हासिल करनी है, ये भी आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग जो अभी नए क्वालिफाई हुए हैं, हमारे बहन भाई जो अभी भी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेकर आए हैं, लेकिन उनका ख्वाब है कि यार हमें नौकरी नहीं करनी, हमें एंटरप्रेन्योर ही बनना है। तो दोस्तों इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूँ। आओ मैम बीनिश अबू बकर हमारी जो मेंटोर है, इस पावर ईगल्स की जो मेंटोर हैं, जो मिडिल ईस्ट की टॉप मोस्ट अर्नर भी हैं, मैम बीनिश अबू बकर, आप इनका सेशन लेके देखें। 2 दिन का सेशन है, आप सेशन में बैठें आपको फील आएगा कि यार वाकई कोई हमें कोई टीचर मिला है जो हमें एंटरप्रेन्योर बनाने में लगा पड़ा हुआ है। बस कि खुदा के वास्ते अपनी एजुकेशन को इस तरह यूटिलाइज़ करो कि तुम एंटरप्रेन्योर बन जाओ किसी तरीके से। मत बोलो मुलाजिम, कुछ नहीं मिलने वाला नौकरी से। दोस्तों मैं आप लोग को फिर कह रहा हूँ, किसी बुक में जाए, वो किसी भी प्रोफेशन से, किसी बुक में, किसी बुक के पेज पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपको एक एम्प्लॉई बनना है। हर बुक, हर पेज चिल्ला के ये कह रहा होता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, जो आपके ख्वाब हैं, जो आप जिस वजह से आपने आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यहाँ पर अपना टाइम लगाया, अपने पैसे लगाए, उस ख्वाब को अचीव करने के लिए वो बता रहा होता है कि ये डिग्री आपको वहाँ लेके जाएगी, ये एजुकेशन आपको वहाँ लेके जाएगी। इस एजुकेशन को नौकरी में मत जाया करना दोस्तों, जो नए आने वाले लोग हैं। मैं बहुत दुख से कहता हूँ, जब मैं इम्तियाज़ ना ही या चेज़ब जाता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं जो पढ़ नहीं सके, एक एजुकेशन एक मीडियम लेवल तक हासिल की, उन सब के लिए भी मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लड़के फूड पांडा पे काम कर रहे हो, जो लड़के लड़कियाँ चेज़अप इम्तियाज़ है, जिस जगह सुपरमार्केट्स में खड़े होकर जलील हो रहे हैं, मेरे दोस्तों मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ इस बिज़नेस का, मैम बिनिश अबू बकर का सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का सेशन तो कम से कम सुनो, उसके तो कोई पैसे नहीं ना। सेशन सुनने में क्या मसला है? मसला यही है कि हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमें अपने ख्वाब को अचीव करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करूँगा। आना ज़रूर, सुनना ज़रूर, हेडफोन लगाओ, सिर्फ सुनो।
सबके पास 4G अवेलेबल, 3G, 4G सबके पास अवेलेबल है। सिर्फ इंटरनेट ऑन करो 8 बजे और 9 बजे सेकंड डे 2 होता है 9 बजे, सिर्फ सेशन लेके तो देखो मेरे बहन भाइयों, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। अगर नौकरी का माइंडसेट लेके चले गए तो आज नौकरी नौकरी बन के रहोगे ज़िंदगी में और कुछ नहीं करोगे। मैं सलाम बार पेश करता हूँ अपनी मैम बीनी शबूकर का, जिन्होंने मेरा माइंडसेट जैसे चेंज कर दिया। मतलब मैं इतना एक्सपीरियंस बंदा, इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद जब मैंने इनका 2 दिन का सेशन सुना, हिल के रह गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मैंने तो ये सोचा था कौन है और अब कहाँ से आई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कि वो हमारे लिए काम ना करें, वो बहुत अच्छा कमा रही है। हमारी और दूसरे मेंटोर्स हैं, हिना मैम, हिना है, मैम लुबना है, मैम तजल्ली, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको वक्तन गाइड करते रहेंगे इस कारोबार के लिए। लेकिन छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं मोटिवेट करूँगा सारी ज़िंदगी आप लोग को, मोटिवेट करता रहूँगा। जितने लोग मुझे सब सुन रहे हैं ना, मैं उन सबको मोटिवेट करूँगा कि आओ मैम का सेशन लो। इस बिज़नेस से अगर जिस दिन तुम जुड़ गए ना, आपकी ज़िंदगी नहीं बच जाए ना, तो मुझे क़यामत के दिन पकड़ लेना। लेकिन बशर्त यह है कि तुम्हें मेहनत करनी है। नौकरी में भी तो मेहनत ही करोगे ना, झक तो नहीं मराओगे वहाँ जाके भी, काम तो वहाँ भी करना है, तो काम यहाँ पे कर लो। तो मेरे दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है आप लोगों से, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी टू माई सिस्टर, माई ब्रदर, प्लीज़ ज्वाइन दिस पावर ईगर्स ग्रुप। योर लाइफ विल बी ड्रास्टिकली चेंज इफ़ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैम मिनी अबूबकर, प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू। आखिर में एक बात कहता हुआ जाऊँगा आप लोगों से, बींग विद द सक्सेसफुल पीपल मेक्स यू सक्सेसफुल पीपल, बींग विद द लूजर्स मेक्स यू अ लूज़र। ये मेरी बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, नेगेटिविटी दिमाग में कभी मत ले जाइएगा, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिएगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है, ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इनके सेशंस में इन्वाइट ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।